हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे और ये मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी तो आज मुझे देर हो गया, 9 बज रहे थे करीब। तो दिशु के पापा ने थोड़ा सा शूट कर दिया वीडियो। अभी ना मैं नहा कर आई हूँ जस्ट, तो बाल पूरे भीगे हैं। तो कुछ मेरी साड़ियाँ हैं ना, तो उन्हें ना अभी मैं बाहर दूंगी, क्योंकि साड़ी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो मैंने ना उसे एक ट्रॉली बैग के अंदर, दो ट्रॉली मेरी साड़ी ही है खाली। तो जब पूजा होता है तभी कहीं इनवाइट करते हैं तो ही पहन कर जाती हूँ। तो अभी वो साड़ियाँ जो है ना, उन्हें मैं बाहर धूप में थोड़ा देर रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए। तो वही अभी चलिए, तो मैं साड़ियों को ना धूप में दे देती हूँ। उसके बाद आकर मुझे खाना बनाना है, तो बाल बांध लूँगी। भीगे हैं बाल लेकिन बांध लूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो चलिए मैं साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना ये बड़ी वाली ट्रॉली जो है, इनमें जितनी भी साड़ियाँ हैं उन्हें सब मैं धूप में दे दूँगी, और जो दूसरी वाली ट्रॉली है उसे मैं कल दूंगी। तो ये थोड़ा ना देखिए अच्छे से फोल्ड नहीं है, क्योंकि ना उस दिन जिसु के पापा अपने जीन्स ढूंढ रहे थे तब शायद उन्होंने ये ट्रॉली भी खोला था। तो यहाँ पर दो जीन्स थे, तो एक निकाली है और एक देखिए अभी भी अंदर है। तो सारी साड़ियों को जो ना मैं निकाल लूँगी, और आज शाम को माँ विपुतारिणी का पूजा है तो रूमी के घर में, तो वो बोल कर गई है। तो फिर मैं पूजा तो नहीं कर सकती, पर मैं तेल सिंदूर ले सकती हूँ, तो इसीलिए मैं जाऊँगी शाम को। तो ये देखिए दिशु का स्वेटर भी है। तो अभी ये सारे कुछ मैं निकाल लेती हूँ और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो शादी का साड़ी था ना, जो शादी का बनारसी साड़ी, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे शादी का जो जोड़ा है वो, तो ये बनारसी साड़ी है। तो ये तीन डिज़ाइन है इसमें, देखिए जरी की जो वर्क है वो। तो ये देखिए, ये एक डिज़ाइन है, और इसके बाद ये वाली एक है, और उसके बाद ये वाली देखिए एक है। तो तीन डिज़ाइन है इसमें। तो ये मैंने शादी के दिन पहनी थी, तो ये मेरी चॉइस की है जब हम मेरी शादी का, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ तेजू में तो ऐसा नहीं मिलता है, मिलता है पर इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको, बनारसी तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग गए थे तिनचुकिया, तो हम लोग गए थे तिनचुकिया शादी की शॉपिंग करने के लिए, तो वहीं से मैंने चॉइस की थी ये वाली, मेरी चॉइस की है। और ब्लाउज इसकी है, और ये है मेरा शादी का जो चुनर बोलते हैं ना वो, और जो ये शादी की बनारसी है ये तो मम्मी के साथ गई थी मैं लेने के लिए। और ये है जो मैंने बहुभात के दिन पहनी थी, तो ये यहाँ से दी थी मम्मी लोगों ने, सिल्क की है देखिए। तो ये कुछ जब देखती हूँ ना ये सब, तो वो वाले दिन याद आ जाते हैं। और मेरे शादी के दिन एकदम सिंपल रेडी हुई थी मैं, कुछ नहीं। तो अभी इन्हें मैं धूप में दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जो साड़ियाँ हैं ना उन्हें लेकर आ रही हूँ और ये धूप में दे दूंगी। तो ये जो ग्रीन वाली साड़ी है ना, ये मम्मी ने मुझे मेरी गोद भराई के दिन दी थी मेरी मम्मी ने। तो मैंने ना इसका ब्लाउज तो सिल लिया है, पर मैंने एक बार भी इसे नहीं पहना है, नहीं है ये साड़ी। और ये देखिए यहाँ पर जितने भी ब्लाउज़ है मेरे, जो कुर्ती हैं वो, और उस साइड साड़ी हैं। तो ये दो कुर्ती थोड़ा हैवी है, और ये देखिए ये दोपहर को दिशु को लेकर आने के बाद जितनी साड़ियाँ थी ना, सबको मैंने अच्छी तरीके से फोल्ड कर फिर से ट्रॉली में डाल दिया है। और ये शाम को हम गए थे रूमी के यहाँ, तो ये प्रसाद अब खा रहे हैं। सब लोग बना रहे हैं। आप नहीं बना रहे? कौन? आप रेडी है? तो अभी दीदी आएगा खाने का। तो फ्रेंड्स, आज रूमी ने पूजा दिया है,
तो आज मैं यहाँ पर इनवाइटेड हूँ, तो मुझे मिल ही गया पूजा। तो ये देखिए रूमी पूजा पाठ कर कर अभी बैठी है। और क्या साड़ी पहना था, और बोल दीजिए। और एक यूट्यूबर हम प्रसाद खाएंगे, और पता नहीं क्यों इतना अंधेरा अंधेरा आ रहा है। तो ये है दीपिका, इसका भी एक ब्लॉग चैनल है जीएस ब्लॉग, तो देखिएगा। और ये है रूमी, तो पूजा उजा कर कर अभी सबको प्रसाद दे रही है, और हम लोग अभी प्रसाद खाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम बातों में बिजी थे और अनमोल ना देखिए पानी के बोतल के ऊपर बैठा है, अकेला बैठ बैठ कर और फ्रूट्स खा रहा था। तो चलिए, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।